भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। यह पत्रकार वार्ता बीजेपी संभागीय कार्यालय में आयोजित थी, जहां पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बताया गया है कि पत्रकार वार्ता में बजट को लेकर जानकारी दी गई है और बतलाया गया है कि आने वाले समय में यह बजट मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश की उपलब्धि अवश्य दिलवाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए कैंट विधायक अशोक रूहानी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बजट से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि इस बजट में हर वर्ग के लोगों की चिंता की गई है और इससे हमारे प्रदेश का विकास अवश्य होगा। 2022-23 का बजट सभी समाज के हर वर्ग को, हर गरीब कल्याण, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बच्चों सहित समाज के हर वर्ग के इस सब बजट में चिंता गई है। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना में 10,000 करोड़, शिक्षा पर लगभग 2630 करोड़, 360 सीएम राइस स्कूल, 11 प्रदेश में औद्योगिक केंद्र मिलाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के साथ साथ विकास की तेज गति और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में बढ़ाया कदम यह बजट है। निश्चित रूप से इस बजट से आने वाले समय में मध्य प्रदेश स्वर्ण मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।